आए विद्यार्थीगण, आप लोगों का टेंथ का एग्जाम विद्यार्थीगण हो गया ना, इंटर वाले का भी हो गया, टेंथ वाले का भी हो गया। अब इसका रिजल्ट आने का कुछ ज़रा समय नहीं रह जाता, लगभग एक महीने के बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में ही होगा। लेकिन विद्यार्थीगण, आप सारे लोगों के मन में ये होगा कि सर अभी जो समय रिजल्ट तक का रह गया है, उस बीच में कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात ये मन में आ रहा होगा विद्यार्थीगण कि सर कि मैट्रिक के बाद क्या करिएगा, सर इंटर के बाद सबसे अच्छी चीज़ें हमारे लिए क्या होगी जो करियर को अच्छा करने में साबित होगी ना विद्यार्थीगण, तो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए ही हम इस वीडियो में आए हैं विद्यार्थीगण। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मेरा यह मानना है विद्यार्थीगण, इंटर वाले सोच रहे होंगे कि सर अब हम लोग क्या करें। आप लोग विद्यार्थीगण, अगर कोई गर्ल्स हैं इंटर में, अगर कोई साइंस लेके बायोलॉजी साथ में रखे हैं, अगर वो लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या है विद्यार्थीगण कि वो पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करे। वो फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत तक, बने रहिएगा। तो विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी, आप बोलेगा सर लड़कों के लिए क्या है, तो लड़का जो इंटर किए ना, तो मेरा मानना ये है, चूँकि लड़कों के लिए भी पैरामेडिकल अगर आप मैथ से किए हैं और अगर आप आर्ट्स पेपर भी लिए हैं विद्यार्थीगण, अगर आप बायो भी लिए हैं बॉयज के लिए, तो वो पैरामेडिकल के लिए उपयुक्त वो भी हैं ना। वो क्या करेंगे कि पैरामेडिकल के लिए आप जो पैरामेडिकल में, चूंकि होता क्या है कि एक ANM आ गया, एक GNM आता है ना। ANM को बोलते हैं क्या कि ग्रेड बी नर्सिंग बोलते हैं, और ग्रेड ए बोलते हैं विद्यार्थीगण कि जो GNM के लिए होता है। और एक क्वालिटी होता है उसके अंदर जो होता है विद्यार्थीगण कि आपका आ गया ड्रेसर का आता है ना, उसके बाद लड़कों के लिए विद्यार्थीगण जो है कि ऑप्थेमिक असिस्टेंट आ जाता है, और जो है कि और भी काफ़ी सारा जो है कि कुल मिला के 10 से 11 पोस्ट होते हैं लड़कों के लिए ना, कि वो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टरों के मदद के लिए होंगे, और भी काफ़ी है। लेकिन विद्यार्थीगण काफ़ी कम सीट, पहली बात तो काफ़ी कम सीटें होती है लड़कों के लिए। दूसरी बात क्या है कि खैर सीटों पे हमको बात करना ही नहीं है विद्यार्थी, क्यों नहीं करना है कि आप लोगों का अगर मन में ये लगता है विद्यार्थीगण कि अगर लड़के भी हैं, आप लोगों को लगता है कि सब डॉक्टर के मन में थोड़ा सा भी मन में है कि डॉक्टर बनना है या डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है ना, तो क्या कीजिए विद्यार्थीगण कि आप लोगों का फॉर्म काफ़ी जल्दी आने वाला है पैरामेडिकल का, तो लड़के लोग भी भर देंगे और गर्ल्स मतलब लड़कियों लोग भी भर देंगे ना। जो मैट्रिक पास किया वो पैरामेडिकल मैट्रिक का फॉर्म फिलअप करेंगे और पॉलिटेक्निक दोनों एक साथ ही कर लीजिएगा, और जो इंटर में है विद्यार्थीगण चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो पैरामेडिकल का भी भरेंगे और एक साथ वो पैरामेडिकल मैट्रिक का भी भर देंगे और उसी के साथ प्राम ये पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म डिप्लोमा वाला भी भर देंगे, तीनों एक साथ ही भर देना विद्यार्थीगण ना, तीनों आपके करियर में आपके सेट करने के लिए अच्छे साबित होंगे विद्यार्थीगण। तो मेरा मानना है फॉर्म तो तीनों फिलअप कीजिएगा ही, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन जो होने वाला विद्यार्थी पैरामेडिकल होगा, जो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। क्यों ऐसा होने वाला है? लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है विद्यार्थीगण, पैरामेडिकल अगर आप क्वालिफाई कर गए विद्यार्थीगण, तो एडमिशन की प्रक्रिया होगी, एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद 3 साल का आपका कोर्स होगी, जो ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, और लास्ट वाला जो 1 साल जो होगा, 1 से 1.5 साल जो लास्ट का होगा विद्यार्थीगण, मान सकते हैं कि 2 साल जो होगा विद्यार्थीगण, उसमें आपको हॉस्पिटल जो होगी सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जो होगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिस कॉलेज में लेंगे उस कॉलेज के जो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बढ़िया जो होगी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होंगे विद्यार्थीगण, वहाँ आपको ट्रेनर के लिए भेजा जाएगा और पर डे आपको मंथली दिया जाएगा, वहाँ से ही आपका मंथली स्टार्ट हो जाएगा विद्यार्थीगण ना, मतलब कि लगभग आपका जॉब फिक्स हो ही जाता है। तो मेरा मानना है आपके पास समय है, जोर शोर से तैयारी कीजिए। तो इसके लिए आपके खुद का जो चैनल है स्मार्ट गुरुकुल आपकी सहायता करेगी, और आप लोग सारे लोग ने मिलकर क्या किया विद्यार्थीगण कि 1K का फैमिली बना दिया, मतलब 1000 से प्लस का फैमिली बना दिया है। लगभग बहुत पुरानी कोचिंग संस्थान है विद्यार्थीगण, काफी वर्षों से यहाँ क्लास ले जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट को ना। इस बार हम लोग ने सोचा, पिछले 2 सप्ताह पहले ही सोचा था कि आप लोगों से ऑनलाइन रूबरू हो ना, और आप लोगों ने काफी बढ़िया रिस्पांस दिया विद्यार्थीगण, काफी जल्दी 1K का फैमिली बना दिया, 1000 प्लस फैमिली हम लोग हो गए ना। अब क्या मैंने विद्यार्थी इस खुशी के मौके पर हम लोगों ने क्या चाहा है कि एकदम बिल्कुल मुफ्त क्लास आप लोगों का, जो ऑफलाइन वाले को जितना मटेरियल दिया जाता है, जितना क्लास लिया जाती है, वो सारा क्लास आप लोगों को मुफ्त यूट्यूब पर कराया जाएगा। तो उसका जितना मटेरियल होगा, जितनी भी बातें होंगी, जितना महत्वपूर्ण बातें होंगी, जितना भी नोटिस के रिगार्डिंग होंगे, या फिर आपके पास जितना भी डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक आप लोगों के पास टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे विद्यार्थीगण ना, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे विद्यार्थीगण ना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। वो हमारी टीम बैठी रहती है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो उनको आप लोग मैसेज करेंगे ना, अगर मैसेज से भी आपका क्लियर नहीं होगा, अगर बात करनी हो विद्यार्थीगण, तो डायरेक्ट हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका कॉल रिसीव करने का विद्यार्थीगण ना। तो आप लोगों का लगभग विद्यार्थीगण आज से कह सकते हैं, आज आपका जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में, यह फरवरी 24 फरवरी विद्यार्थीगण, मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक, जिसको पहले पैरामेडिकल डेंटल कहा जाता था, वो सारे चीज़ों का फॉर्म जो है
अगले मंथ लास्ट वीक में आ जाएगा विद्यार्थीगण, और संभवतः टेंथ वाले और मैट्रिक वाले का रिजल्ट भी जो आएगा आपका बोर्ड परीक्षा का वह भी आ जाएगा विद्यार्थीगण। तो आप इस फॉर्म का जो आपका अगले मंथ अंतिम सप्ताह में आने वाला है उस फॉर्म को फिलअप भी कर देंगे विद्यार्थीगण, और आपके पास उसके बाद फिर एक मंथ वो समय लेगा आपका फॉर्म फिलअप कराने का और एग्जाम लेने तक का। तो आपके पास कुल मिला के दो मंथ समय बचा है विद्यार्थीगण, और इस मंथ को अगर आप लोग उपयोग के तौर पर अच्छे से रेगुलर क्लास करेंगे विद्यार्थीगण, जुड़े रहेंगे आप ना और एकदम अच्छे से मेहनत करेंगे विद्यार्थीगण, आप लोगों का एडमिशन होना तय किसी भी मेडिकल कॉलेज में, कितना भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपके मन में जो भी सपना है जिस गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का विद्यार्थीगण, उस कॉलेज में आपका एडमिशन होना तय है। आपके पास दो मंथ समय है विद्यार्थीगण, एकदम कंसंट्रेट होकर प्रिपरेशन में लग जाएंगे, आपको यहाँ मुफ्त क्लास तो ली ही जाएगी, उस क्लास में रेगुलर बने रहना है विद्यार्थीगण ना, और आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है विद्यार्थीगण। क्या पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक विद्यार्थीगण, आप सारे लोग मेरा मानिए विद्यार्थीगण, आप लोग इसको फॉर्म को तो फिलअप करेंगे और आज से ही तैयारी में लग जाएंगे विद्यार्थीगण।